बात करेंगे। पहले किस महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो श्राद्ध पक्ष में, तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करता और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल